उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। दो दिनों में अखिलेश यादव के परिवार के उनकी फैमिली के दो सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। आज मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव के एक समधी और समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव ने जब परिवार नहीं संभाला तो राज्य वो क्या संभाल पाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो बीजेपी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का परिवारवाद जो है वो खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपर्णा यादव, प्रमोद गुप्ता, हरिओम यादव के जाने से समाजवादी पार्टी में परिवारवाद खत्म हो जाएगा? क्या अभी भी समाजवादी पार्टी पर एक परिवार का नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं है? सवाल यह भी कि अखिलेश के परिवार में तोड़फोड़ से बीजेपी को क्या मिलेगा? सवाल यह भी कि कुछ दिन पहले तक जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की वजह से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पर सवाल उठा रहे थे, वो अपर्णा यादव के बारे में अब क्या कहेंगे जिनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में है और वो इकलौती हैं जो यहाँ बीजेपी में है? आज के हुंकार इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मैं परिवार से कोई विमुख नहीं हूं, मेरे साथ सभी बड़ों का आशीर्वाद है। ये आइडियोलॉजी का एक डिफरेंस है। वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी। ये परिवारवादी वंशवादी लोग यही करते थे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो परिक्रमा मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं। दो दिनों में समाजवादी पार्टी को दो झटके लगे हैं। मुलायम सिंह यादव के दो रिश्तेदारों ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवाद को ठुकराते हुए राष्ट्रवाद को अपनाने का फैसला लिया और आज मुलायम सिंह यादव के साढ़ू और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रमोद गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा गया है। गैर समाजवादी लोग मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से। रिश्तेदारों के पार्टी से निकलने को अखिलेश यादव तरजीह नहीं दे रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनका परिवारवाद खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। अखिलेश भले ही परिवारवाद खत्म होने का दावा करें, लेकिन बीजेपी अभी भी उन पर परिवार का आरोप लगा रही है। वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। ये परिवारवादी वंशवादी लोग यही करते थे। हालांकि सच्चाई ये है कि बीजेपी में भी नेताओं के परिवार को लेकर तनाव है। बीजेपी नेता भी अपने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी तो बेटे को टिकट दिलाने के लिए संसद सदस्यता से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।